नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारा डेली करंट अफेयर डिस्कशन का शेड्यूल और ये हमारी जीएस की लाइव क्लासेस चलती हैं। शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच में स्टेट पीसीएस और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। पहला टॉपिक होगा म्यूऑन मैग्नेटिज्म, दूसरा है बायो कैप्सूल, तीसरा हम जानेंगे फील्ड मेडल के बारे में, चौथा ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है और पांचवा टॉपिक हमारा अभ्यास के बारे में जानेंगे। आइए हम अपने चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, जो कि है म्यूऑन चुंबकत्व, म्यूऑन मैग्नेटिज्म। इसको देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। 2021 में फर्मी लैब, जो कि आप लोग जानते होंगे, ये यूएसए में अवस्थित है, फर्मी लैब में म्यूऑन G-2 नाम से एक प्रयोग किया गया था, जिसकी अभी कुछ जानकारी सामने आई है। इसकी जानकारी क्या सामने आई है वो ये है कि म्यूऑन मजबूत चुंबकत्व प्रदर्शित कर रहा है, म्यूऑन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रदर्शित कर रहा है, जो कि अभी तक के नियमों के उलट है। ये म्यूऑन क्या है आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए आइए देख लेते हैं म्यूऑन क्या है। म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल में से एक है। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से एक है म्यूऑन। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, ये एटम जिससे मिलके बना होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेनली इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स। लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स में डिवाइड किए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। अब ये लेप्टॉन्स क्या है, those who don't respond to strong interaction। और हाइड्रॉन क्या है, ये strong interaction को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हाइड्रॉन कहलाते हैं। अभी लेप्टॉन में क्या क्या आता है, लेप्टॉन में है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। अब इसके साथ में और क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ये छह लेप्टॉन्स का एक ग्रुप होता है, ये अलग अलग भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रॉन्स हैं, हाइड्रॉन्स में क्या क्या आता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क्स, ये हाइड्रॉन्स होते हैं। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं पाए जाएंगे और ये स्वतंत्र पाए जा सकते हैं। लेप्टॉन्स स्वतंत्र पाए जा सकते हैं लेकिन हाइड्रॉन्स स्वतंत्र नहीं पाए जाते, ये हमेशा एक ग्रुप में ही मिलेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या और क्वार्क्स। अब ये इसमें से हम जो चर्चा कर रहे हैं ये म्यूऑन की चर्चा कर रहे हैं, ये म्यूऑन। अब ये इसमें अंतर क्या है, ये छह हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के होते हैं। इनमें से जो ऊपर वाले हैं इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, ये चार्ज लेप्टॉन्स हैं और ये न्यूट्रल लेप्टॉन्स हैं। साइंटिस्ट लेप्टॉन्स को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर मानते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, लेप्टॉन्स को मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ और ये न्यूट्रिनो तो आपने अभी सुना होगा, भारत में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जा रही है।
म्यूमियॉन ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन म्यूमियॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना बड़ा है साइज में, और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ये अस्थिर है, और ये लगभग कुछ 1 सेकंड के फ्रैक्शनल हिस्से में ही ये सरवाइव कर सकता है। म्यूमियॉन कुछ फ्रैक्शन के लिए ही, 1 सेकंड के फ्रैक्शन में ही सरवाइव कर सकता है। पार्टिकल्स का ही अध्ययन करते थे, यानी एटॉमिक लेवल पे अभी हम इसमें अध्ययन करते थे, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है, इसमें हम एटम के साथ साथ फंडामेंटल फोर्सेस का भी अध्ययन करते हैं। और इसी तरह जैसे इसमें आवर्त सारणी ऐसे सजाई जाती है, वैसे ये भी सजाए जाते हैं, लेकिन इसमें आवर्त सारणी से कम एलिमेंट होते हैं। अब इसमें फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? चार फंडामेंटल फोर्सेस की बात कही गई है। चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और फोर्थ है वीक फोर्स। ये चार फंडामेंटल फोर्स अभी तक साइंटिस्ट मानते हैं। चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। अब इनमें से देख लेते हैं ये फोर्सेस हैं क्या, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रेविटी फोर्स के बारे में देख लेते हैं। यह इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर है, यानी कि ये वीकेस्ट वीकेस्ट फोर्स है, इन चारों में से सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। रेंज इसकी इनफाइनाइट है, ग्रेविटी की रेंज इनफाइनाइट है और यह सबसे कमजोर फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? यह ग्रेविटी से तो स्ट्रांग है, स्ट्रांगर देन ग्रेविटी, और साथ में इसका रेंज भी इनफाइनाइट है। स्ट्रांग फोर्स क्या है? यह इन सभी में से मजबूत तो है सबसे ज्यादा, स्ट्रांगेस्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन इसका रेंज बहुत ज्यादा कम है, रेंज बहुत ज्यादा कम है, एटॉमिक लेवल पर ही ये काम करता है। वीक फोर्स क्या? ये ग्रेविटी से तो मजबूत होता है, वीक फोर्स ग्रेविटी से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, लेकिन बाकी के जो दो हैं, स्ट्रांग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से शेष दो से कमजोर होता है, और इसका भी रेंज एटॉमिक लेवल पे ही काम करता है। वीक फोर्स, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या? वीक फोर्स अभी तक इसको खोजा नहीं गया है, वीक फोर्स को खोजा नहीं गया अभी तक, ये सत्यापित नहीं है, बाकी के सत्यापित हैं। उनको सत्यापित कैसे किया गया था? इनको सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग किया गया था, इनमें बोसॉन का यूज करते हैं। बोसॉन क्या है? ये फोर्स कैरियर्स हैं, जिनमें फोर्स कैरी किया जाता है, उन पार्टिकल्स के ग्रुप को हम कहते हैं बोसान। बोसान भी चार तरीके के होते हैं, ग्लूऑन, फोटॉन और डब्लू बोसान, और एक होता है जेड बोसान। ग्लूऑन, फोटॉन, डब्लू बोसान और जेड बोसान, ये बोसान के प्रकार हैं। इनमें से इंटरेक्शन आपस में, इनको इंटरेक्शन करवा के एक दूसरे से हम ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और ये तीनों फोर्सेस तो अभी तक खोजे जा चुके हैं, इनको प्राप्त किया जा चुका है, लेकिन वीक फोर्स अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप बोसान के बारे में हल्का फुल्का बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे।
चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आप समझ गए होंगे। फंडामेंटल फोर्सेस चार हैं, ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये स्टैंडर्ड मॉडल के नियमों के विपरीत है, और स्टैंडर्ड मॉडल के नियमों के विपरीत क्यों है, क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल ये मान रहा था कि म्यूऑन जो है यह मजबूत चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करता है, यह वी इसका वीक मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन अभी के 2021 के प्रयोग में यह स्ट्रांग मैग्नेटिज्म प्रदर्शित किया है। इसके आगे फंडामेंटल क्या क्या चेंजेस होंगे जो भी न्यूज में आता रहेगा तो हम उसको कवर करते चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है बायो कैप्सूल। बायो कैप्सूल क्या है? यह भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा पेटेंट कराया गया एक आविष्कार है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा पेटेंट कराया गया है, और ये अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। कृषि से रिलेटेड है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टर्म क्या टर्म है? बायो कैप्सूल। ये है क्या? ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत और रूस के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है बायो कैप्सूल के संबंध में। बायो कैप्सूल का हम व्यापार कैसे करेंगे, इसका व्यवसायीकरण कैसे करेंगे, इससे एक समझौते, इससे रिलेटेड समझौते पर ज्ञापन की ज्ञापन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और रूस के बीच में। आइए अब देख लेते हैं बायो कैप्सूल है क्या। यह माइक्रोबियल इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित बायो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है। यह जैव निषेचन की एक तकनीक है। बायो कैप्सूल एक टेक्निक है। अब कैप्सूल जानते होंगे, एक ऐसे कैप्सूल होती है, इसके अंदर दवाइयों का कॉम्बिनेशन भरा होता है, वही आप इसको समझ सकते हैं बायो कैप्सूल। इसमें क्या होता है कि फिश के लिए इम्पोर्टेंट जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेट किया जाता है, उनको समाहित किया जाता है। बायो कैप्सूल में फिश के लिए जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव होते हैं उनको इनकैप्सुलेट किया जाता है। इससे फसलों के लिए जैव उर्वरक के रूप में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की स्मार्ट डिलीवरी संभव है। अब आपने कैप्सूल के रूप में सूक्ष्म जीवों को इकट्ठा कर लिया। अब आपको पता है कि इस खेत में मेरे, आपने जांच करवाई, जाके मिट्टी की जांच करवाई, आपको पता चल जाएगा इस खेत में आपके किस जैव उर्वरक की कमी है, उससे रिलेटेड आप उस जैव उर्वरक को उत्प्रेरित करने वाले सूक्ष्म जीवों को आप उसी खेत में जाके छिड़काव कराएंगे। इसे ही हम स्मार्ट डिलीवरी कहेंगे। अभी जैव उर्वरक क्या है? यह जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगस, जो पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर पौधों के पोषण में वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फील्ड मेडल से रिलेटेड। फील्ड मेडल अभी क्यों चर्चा में था? क्योंकि एक मैथमेटिशियन है, यूक्रेन की मैथमेटिशियन है, उनका नाम है मैरीना वेजोवस्का। इनका नाम याद रखिएगा, मैरीना वेजोवस्का। ये यूक्रेन की मैथमेटिशियन है जो फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। अब तक सिर्फ दो ही महिलाओं को फील्ड मेडल पुरस्कार दिया जा चुका है। इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। फील्ड मेडल पुरस्कार का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनिट द्वारा इसका संचालन किया जाता है, और यह पुरस्कार प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसका यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, और 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फील्ड मेडल पुरस्कार 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है जो लोग ये पुरस्कार जीत जाते हैं? उन्हें एक स्वर्ण पदक मिलता है जो कि 14 कैरेट का, उसमें गोल्ड होता है, और 15,000 कैनेडियन डॉलर
दिया जाता है। और ये कनाडा में ही, कनाडा के टोरंटो शहर में ये फील्ड मेडल संगोष्ठी का आयोजन होता है। हर साल कनाडा के टोरंटो में फील्ड मेडल संगोष्ठी का आयोजन हो, सॉरी हर साल नहीं होता, 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार आयोजन होता है कनाडा के टोरंटो में फील्ड मेडल संगोष्ठी का। ये याद रखना है आपको, फील्ड मेडल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक महिला को मिला इस बार। आइए देख लेते हैं ब्लॉकचेन है क्या, इसको थोड़ा इनफॉर्मल वे में देखते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे इसके बनता है। ये क्रिप्टोग्राफिक मैथ का एक एल्गोरिदम होता है, क्रिप्टोग्राफिक मैथ का एक एल्गोरिदम होता है ब्लॉकचेन। और यह उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है, एक कोड जनरेट करता है जिसे हैश कोड कहते हैं, हैश कोड कहते हैं, उसके थ्रू यह इसकी सुरक्षा जनरेट करता है। आगे देखेंगे ये हैश कोड क्या है। आप ये जानते ही होंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है, वही स्पेस को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक नाम दिया गया है। ये एक ब्लॉक है, सॉरी ये एक ब्लॉक है और इस पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही। ऐसे आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं, आप देखने के लिए समझ सकते हैं, ये एक ब्लॉक है, इस पे इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। ये जो स्पेस है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एल्गोरिदम का ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है और इसमें ये सिस्टम है जो कि स्पेस का काम कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा स्टोर करने के काम कर रहे हैं, बहुत सारे ये लाखों कंप्यूटर होंगे। ये जब ये स्पेस भर जाएगा इंफॉर्मेशन से, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि इसमें आप इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे ये भर जाएगा, ये एक कड़ी के माध्यम से दूसरा ब्लॉक अपने आप, ये एल्गोरिदम ऐसे गणितीय संरचना द्वारा डिजाइन किया जाता है कि ये खुद ब खुद नया ब्लॉक डिजाइन कर लेता है, इसको डिजाइन करना नहीं पड़ता है, ये खुद से ही नया ब्लॉक डिजाइन करता है। और ये जो लिंक होता है इसमें, ये एक इनक्रिप्टेड कोड होता है, लिंक में इनक्रिप्टेड कोड होता है, इसी इनक्रिप्टेड कोड को ही हम हैश कोड नाम देते हैं। ये क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज में ये जो इनक्रिप्टेड कोड है, इसके लिंक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसका पीछे अपने पिछले लिंक की हिस्ट्री भी, ये पिछले लिंक की हिस्ट्री इसमें, ये जो नया लिंक है इसमें पिछले लिंक की भी हिस्ट्री अपडेटेड रहेगी हमेशा, उसे हम क्या, उस लिंक को क्या कहेंगे, वो हैश कोड, जो कि किसी भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को सत्यापित करने के लिए, उसको वेरीफाइड करने के लिए जो नोट्स बने होते हैं, नोट्स बने होते हैं उनके लिए हैश कोड जानना जरूरी होता है, बिना हैश कोड के कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। आइए हम देखते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या जानकारी हो सकती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा लेन देन के, यानी कि लेजर के, LEDGER, लेजर से जुड़ी सूचनाओं को दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटरों में सुरक्षित सहेजी जाती है। सुरक्षित जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा सहेजते हैं उसे हम हैश कोड कहते हैं, और ये लाखों कंप्यूटरों को हम नोट्स कहते हैं। नोट्स मतलब आप समझेंगे कि गांठ, और इसी में जहां से पूरी इंफॉर्मेशन, चारों तरफ की इंफॉर्मेशन जो लोग प्रोसेस करते हैं उसे ही हम, उन कंप्यूटरों को हम नोट्स कहते हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसी टर्म इस समय पर यूज होता है, आप लोग कई इसमें माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग भी करते होंगे, और इसमें ट्रांजेक्शन भी, ट्रेड, क्रिप्टो ट्रेड भी करते होंगे वजीरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का केवल एक उत्पाद है। क्रिप्टो करेंसी कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं, ये ब्लॉकचेन पे आधारित ही एक ट्रांजेक्शन का, या कि एक करेंसी, नई करेंसी बना दी गई है, जैसे हमारी भी करेंसी रहती है रुपी वगैरह। ये करेंसी में, करेंसी की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं, इस करेंसी की वैल्यू 0 रुपए है, अगर इसको कोई भी इसके ऊपर विश्वास ना करे तो। यह सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है,
क्रिप्टो करेंसी इंफॉर्मेशन है कि पी व्यक्ति के पास एन वर्चुअल मुद्राएं हैं, इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम वैल्यू प्रदान कर दें तो वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में आ जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बैंकों क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करेगी। बैंकों का क्या काम है कि धन को सहेजना और उसके लेन देन का ब्यौरा रखना। आप लेजर बैलेंस चेक करते होंगे कि मैं कितना इनपुट हुआ कितना आउटपुट हुआ आपके अकाउंट से, उसी को सहेजना किसका काम है, बैंकों का। जैसे पी व्यक्ति ने एसबीआई की अपने एसबीआई अकाउंट से क्यू व्यक्ति के पीएनबी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तब एसबीआई को पी के अकाउंट से राशि घटा देना पड़ेगा और पीएनबी को वही राशि क्यू के अकाउंट में जोड़ देगा। इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, खाता बही कहेंगे। और ये दोनों बैंक, सिर्फ दो बैंक के पास ही ये इंफॉर्मेशन होगी। सेम सेम केस किसके साथ हुआ था, विजय माल्या के साथ। पीएनबी बैंक ने उसको लगातार ऋण देते गए, लगातार ऋण देते गए। इसकी जानकारी सिर्फ दो लोगों के पास थी, पीएनबी के पास और माल्या के पास, विजय माल्या के पास। सिर्फ दो लोगों के पास जानकारी थी कि ये बैंक इस आदमी को पैसा दे रहा है, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं थी। इसी चीज को रोकने के लिए ये जो ट्रांसपेरेंसी का अभाव हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी का जो अभाव हो जाता है, उसी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी नई है, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, ये बहुत पहले, दशकों पहले यह खोज लिया गया था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी लोगों को कि हम ब्लॉकचेन बनाएं तो इसका यूज क्या करेंगे। लेकिन 2008 में, आपने सुना होगा न्यूज़ डिस्कशन वगैरह में, कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी पूरे दुनिया दुनिया भर में। उसका रीज़न क्या था, ये विजय माल्या वाला जो केस है वही रीजन था कि जो मोस्टली यूएसए की कंपनियां अफेक्टेड हुई थी, इसके कारण पूरे विश्व में इसका फाइनेंशियल क्राइसिस का इफेक्ट हुआ था। यूएसए में हुआ क्या था कि ये वहाँ की जो हाउजिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो लगातार ऋण बांटे जा रही थी, और वो जो ऋण ले रहे थे लोग वो इन कंपनियों को वापस नहीं कर रहे थे, जो विजय माल्या कर रहा था पीएनबी के साथ। ये यूएसए के फेडरल रिजर्व के साथ यही हो रहा था, मतलब वहाँ की जो बैंकिंग, सॉरी फेडरल रिजर्व नहीं, वहाँ की जो हाउसिंग फाइनेंसिंग बैंकिंग बैंकिंग है उसके साथ हो रहा था। इसके कारण पूरा मार्केट क्रैश कर गया, ऋण देते देते पूरा एनपीए हो गया इनका, जितना अमाउंट था पूरा पूरा मार्केट इनका, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। वहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत हो गई 2008-09 की। तभी लोगों के मन में विचार आया कि हम दो, एक बैंक और एक ग्राहक, इन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, इसकी जानकारी आम पब्लिक को, जिसका पैसा है उसको कैसे पता चले कि ये दोनों फेयर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या बदमाशी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसी को ओवरकम करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की किसके रूप में, बिटकॉइन के रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया सतोशी नाकामोटो। अब ये पता नहीं कि ये एक ही आदमी ने इसको, इस कंपनी को बनाया है, या ये ग्रुप में काम करता है, इसको कोई नहीं जान रहा है अभी तक। सतोशी नाकामोटो एंड ग्रुप कह देते हैं, इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिटकॉइन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया ताकि पारदर्शिता बनी रहे ग्राहक और बैंक के बीच में। ये हिसाब किताब जब दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों में रखा जाता है, यही हिसाब किताब दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटरों में रखा जाता है, यही ये किसके थ्रू संभव है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही संभव है। अब चूंकि ये लाखों कंप्यूटरों में फैला है, इसीलिए इसे हैक करना संभव नहीं है।
क्योंकि लाखों कंप्यूटरों में इसकी अनगिनत प्रतियां सुरक्षित रखी गई हैं। ब्लॉकचेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ना समझा पाया हूँ, कभी इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है अभ्यास। अभ्यास एक स्वदेशी मानव रहित एरियल टारगेट प्रणाली है, स्वदेशी मानव रहित एरियल टारगेट प्रणाली है जिसका नाम है अभ्यास। और इसका पूरा नाम क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसको हीट भी कहते हैं। इसके नाम पे मत जाइएगा कि अभ्यास है तो अभ्यास अभ्यास से रिलेटेड ही इसका नाम होगा। इसका पूरा नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और इसको हिंदी में कहते हैं अभ्यास। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO इस पे 2012 से काम कर रहा था। ये जो अभ्यास सुरक्षा प्रणाली है, यह इस पे 2012 से काम कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसमें विफल विफल हो जा रहा था किसी पॉइंट पे। ये जो अभ्यास सिस्टम है, यह छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा चालू होता है। इसको याद रखिएगा, यह गैस टरबाइन इंजन द्वारा चालू होता है, और ये हवाई खतरों से निपटने में मदद करेगा। ये हवाई, आप इसको देख सकते हैं, इसकी फोटो। ये एक डिफेंस सिस्टम है, यहाँ से अगर कोई प्लेन आता है तो उस पर यह टारगेट करके उसको उड़ा देगा। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज अभी तक DRDO ने डिस्क्लोज नहीं की। आज के टॉपिक यहीं तक थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।